वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम क्लास 12th एक्सरसाइज 2.1 को पढ़ेंगे। 2.1 के लिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। वहां पर हमने सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स को पढ़ा है एंड ये इनकी डोमेन और रेंज किस तरीके से आई है इनको भी हमने समझा है। अब यहां पर हमें केवल इन क्वेश्चंस का सलूशन करना है और इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ -1/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसे थीटा के बराबर मान लिया। साइन इनवर्स को हम इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब साइन की वो वैल्यू लो जिस पर जो साइन है वो 1/2 होता हो। साइन 1/2 किस पर होता है? साइन 1/2 हमारा होता है 30 डिग्री पर। यानी इस 1/2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं साइन 30 यानी कि π/6। अभी ये माइनस साइन हमें यहां से हटाना होगा तो उसके लिए हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो इस माइनस साइन को हम एंगल के साथ लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ -π/6। अगर इन एंगल्स की साइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। थीटा इज इक्वल टू -π/6। जो थीटा है वो किसके बराबर है? साइन इनवर्स ऑफ -1/2 के। इसको सॉल्व करने पर आया -π/6। आप चेक करो कि क्या ये साइन की रेंज के अंदर है, साइंस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर। तो आप बोल देंगे कि डेफिनेटली ये -π/2 से π/2 के बीच में प्रेजेंट है आपका। अगर ये जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी तभी आप उसे क्या कहोगे? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहोगे, अदरवाइज वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ √3/2 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम थीटा के बराबर मान लें। कॉस इनवर्स इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब जो cos है वो √3/2 किस पर होता है? cos √3/2 होता है हमारा 30 पर, यानी कि cos π/6। अगर इन एंगल्स की cosine वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, यानी थीटा बराबर आ गया π/6 के। थीटा किसके बराबर है? वो बराबर है cos इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू π/6 बिलोंग्स टू 0, π। आप चेक करें कि ये cos इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। सभी की जो आप प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन 3 देखिए, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको थीटा के बराबर मान लेते हैं। इसको इधर ले जाएंगे तो कोसेकेंट ऑफ थीटा बराबर आ गया 2 के। अब एक ऐसी वैल्यू आप सोचो कि जिसमें जो कोसेकेंट है वो आपका 2 होता है। तो कोसेकेंट 2 होता है आपका 30 पर, यानी 2 को आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट ऑफ 2। 2 किस पर होगा आपका? 30 डिग्री यानी π/6 पर। अगर इन एंगल्स की कोसेकेंट वैल्यू इक्वल है तो यहां से जो थीटा है वो किसके बराबर होगा? π/6 के। और आप चेक करें तो थीटा बराबर है कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल टू π/6 आया है और ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी है, जो होती है -π/2 to π/2 -0, वे इसके अंदर भी आ रहा है। फोर्थ वाला पार्ट देखिए कि टेन इनवर्स ऑफ -√3 की हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है।
इसको थीटा के बराबर मान लिया और यहां से इसको इधर ले गए तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री। टेन रूट थ्री किस पर होता है? टेन रूट थ्री हमारा होता है टेन ऑफ 60 यानी पाई बाई थ्री पर। एंड इस माइनस साइन को हम अंदर ले जा सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं आपका माइनस का पाई बाई थ्री। आप रीजन बताएंगे, बिकॉज टेन ऑफ माइनस थीटा जो है वो माइनस टेन थीटा के बराबर होता है, तो जो बाहर माइनस साइन लगा हुआ है उसे आप अंदर ले जा सकते हैं। तो यहां से अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो थीटा आ गया माइनस पाई बाई थ्री। थीटा किसके बराबर है? टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाई थ्री। ये वैल्यू आ रही है जो टेन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। तो जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है वो माइनस पाई बाई थ्री हमारे पास यहां पर आ रही है। फिफ्थ पार्ट को देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, इसे थीटा के बराबर मान लिया। कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। जो कॉस है वो 1 बाई टू किस पर होता है हमारा? कॉस 1 बाई टू होता है 60 पर, यानी जो यहाँ ये 1 बाई टू लिखा है इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस का कॉस पाई बाई थ्री। अब ये माइनस साइन हमें अंदर ले जाना है, तो यहां पर हम जब भी माइनस साइन जो कॉस और सेक के सामने आए तो एंगल को हम पाई माइनस में ब्रेक कर लेते हैं। वो कैसे, जरा समझिए। ये जीरो, ये पाई बाई टू, ये पाई। पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज, तो कॉस का कॉस हो गया और एंगल आ गया। तो यानी माइनस ऑफ कॉस पाई बाई थ्री को हम कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे थ्री पाई माइनस पाई, तो ये आ गया कॉस 2 पाई बाई थ्री, यहां पे आ गया कॉस थीटा। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इनकी कोसाइन वैल्यू इक्वल है, तो ये एंगल भी क्या होगा? इक्वल होगा। 2 पाई बाई थ्री बिलोंग्स टू कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर ये है, दैट इज 0, पाई, उसके अंदर ये प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ रही है। सिक्स्थ पार्ट देखिए, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन को हमने मान लिया थीटा, टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अब टेन जो है वो वन किस पर होता है? टेन वन होता है हमारा पाई बाई फोर पर, तो यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई फोर। हमें ये माइनस साइन अंदर ले जाना है तो इसके लिए तो हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू टेन माइनस थीटा, यानी टेन माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ टेन थीटा। तो ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा, ये हो जाएगा टेन ऑफ माइनस पाई बाई फोर। अगर इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल इक्वल होंगे, थीटा बराबर है इसके, यानी कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन जो है वो माइनस पाई बाई फोर के आ रहा है बराबर, और जो टेन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। तो टेन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई है। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, सेक इनवर्स ऑफ टू बाई रूट थ्री की प्रिंसिपल वैल्यू निकाल, इसको हम थीटा के बराबर मान लेंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो sec थीटा इज इक्वल टू यहां पे आ गया 2 बाई रूट थ्री। अब जो sec है वो 2 बाई रूट थ्री किस पर होता है? 30 डिग्री पर। तो इस 2 बाई रूट थ्री की जगह हम लिख सकते हैं sec ऑफ 30 यानी पाई बाई 6। अगर इन दोनों एंगल्स की secant वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। थीटा बराबर है आपका sec इनवर्स
ऑफ 2 बाई रूट 3 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 6, और ये आपका इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी है जो होती है आपकी 0 टू पाई, और इसमें पाई बाई 2 वैल्यू आपकी यहां पर नहीं होती, तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू आ गई। एट्थ है कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू थीटा के बराबर, मान लिया कॉट इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो यहां बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब कॉट जो है वो रूट 3 किस पर होता है, कॉट 3 जो है हम जो कॉट है वो रूट 3 होता है हमारा 30 डिग्री पर, यानी कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट 30 यानी पाई बाई 6। अगर इनकी कोटेंजेंट वैल्यू इक्वल है तो जो थीटा है वो पाई बाई 6 के आ गया, थीटा बराबर है हमारा कॉट इनवर्स ऑफ रूट 3 दैट इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। तो ये जो है वो आपकी कॉट की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी आ रहा है, और ये ही क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है। क्वेश्चन 9 देखिए, कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने इसे थीटा के बराबर मान लिया, कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे तो जो कॉस थीटा है वो बराबर आएगा माइनस का 1/√2। कॉस 1/√2 किस पर होता है, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री पर, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाई 4। इस माइनस को अंदर ले जाना है, कॉस के बाहर जब भी माइनस साइन आता है तो एंगल को हम पाई माइनस में ब्रेक कर लेते हैं। कैसे देखिए जरा, पाई यहां पर होता है, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज तो कॉस का कॉस आ जाएगा और ये एंगल, यानी माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 4 को हम कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो जरा चेक करिए, यहां पे आ गया कॉस 4 पाई माइनस पाई, ये हो गया 3 पाई बाई 4, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4। तो इनकी कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 3 पाई बाई 4 के बराबर आ जाएगा, यानी कि यहां पर जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है कॉस इनवर्स ऑफ -1/√2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है 3 पाई बाई 4 जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी है आपकी। तो हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। 10th को देखिए, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2, हम इसे आपका थीटा के बराबर मान लेंगे तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2। जो कोसिकेंट है वो रूट टू किस पर होता है आपका, पाई बाई 4 पर होता है, इसकी जगह आप लिख सकते हो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट पाई बाई 4। माइनस साइन को हम अंदर ले जा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसिकेंट ऑफ -π/4, यानी यहां पर इनकी कोसिकेंट वैल्यू इक्वल है तो ये -π/4 के बराबर आ जाएगा। थीटा बराबर था इसके तो कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2 जो है वो -π/4 के बराबर आ जाएगा, और जो आपका इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी होता है। इस तरीके से हम इनकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब तक जो क्वेश्चंस हमारे पास थे उनमें सभी में एक वैल्यू दे रखी थी, अब उसने क्या किया है तीनों को ऐड करके लिख दिया। तरीके में कोई चेंज नहीं है, सभी को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट दिस टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू थीटा, इसको इधर ले आएंगे तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। टेन 1 किस पर होता है हमारा, पाई बाई 4 पर होता है, यानी टेन थीटा इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4। इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, यहां से थीटा आ गया पाई बाई 4
और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। नाउ सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू को हमने मान लिया सम फाई। तो कॉस इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा कॉस फाई और यहां पे आ गया माइनस का वन बाई टू। कॉस वन बाई टू किस पर होता है? हमारा 60 डिग्री पर, यानी इसको आप लिख सकते हो कॉस फाई माइनस का कॉस पाई बाई थ्री। इस माइनस साइन को अंदर ले जाना है तो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री। आप पूछें सर कैसे? तो पाई होता है यहां पर पाई माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज और यहां आ गया कॉस पाई बाई थ्री। यानी जो कॉस फाई है यहां पे सॉल्व करोगे तो कॉस टू पाई बाई थ्री। इनकी कॉस वैल्यू इक्वल है तो जो फाई है वो बराबर आ गया टू पाई बाई थ्री के, जो बेसिकली इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। थर्ड वाला जो पार्ट है वो है हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई टू। इसको सम अल्फा मान लो, साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। साइन वन बाई टू किस पर होता है? हमारा साइन वन बाई टू होता है 30 पर, यानी माइनस का पाई बाई सिक्स। माइनस साइन को अंदर ले आएंगे तो साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई सिक्स। आप रीजन बताएंगे, बिकॉज कि साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहां से जो अल्फा है वो आ गया माइनस पाई बाई सिक्स। हमने तीनों टर्म्स की वैल्यू अलग अलग निकाल ली है, अब उसे यहां पर रखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे, देखिए ये तो बन गया थीटा, ये बन गया आपका फाई और ये बन गया अल्फा। सभी की वैल्यू यहां पुट करने वाले हैं। थीटा की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई फोर, फाई की वैल्यू है टू पाई बाई थ्री और इसकी वैल्यू है माइनस का पाई बाई सिक्स। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 12, फोर थ्री जा 12 यानी 3 पाई, थ्री फोर जा 12 यानी 8 पाई एंड सिक्स टू जा 12 यानी माइनस का 2 पाई। तो ये आ गया 11 माइनस 2 पाई इज 9 पाई बाई 12, 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3 पाई बाई 4। तो पर्टिकुलरली सबको सॉल्व करना है एंड सभी को ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसका 12 वाला पार्ट देखिए क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स ऑफ 1 बाई 2। दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, कॉस इनवर्स ऑफ 1 बाई 2 को हमने मान लिया थीटा एंड इस साइन इनवर्स 1 बाई 2 को हमने मान लिया फाई। इसको इधर ले गए तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया 1 बाई 2। कॉस 1 बाई 2 किस पर होता है? हमारा 60 डिग्री पर, यानी इसे हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई थ्री। इनकी कॉस वैल्यू इक्वल है तो जो थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा? पाई बाई थ्री के बराबर आ जाएगा, और जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में भी है। यहां पे इसको इधर ले आएंगे तो साइन फाई इज इक्वल टू 1 बाई 2। साइन जो है वो 1 बाई 2 किस पर होता है? हमारा साइन 1 बाई 2 होता है 30 पर। इसे आप यहां लिख देंगे साइन फाई इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। तो यहां से जो फाई है वो आ गया पाई बाई 6, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी है। अब यहां हमारी जो टर्म है वो क्या बन गई, इसको हमने माना था थीटा, ये 2 यहां पर है, और इसको माना था फाई। अब थीटा और फाई की जो वैल्यू है वो हमने निकाल ली है, वो यहां पुट कर देंगे। ये आ गया पाई बाई 3 प्लस 2 इंटू पाई बाई 6, यानी कि ये आ गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, दैट इज 2 पाई बाई 3। इस टर्म को सॉल्व करने पर वैल्यू हमें मिल रही है 2 पाई बाई 3। सॉल्व कैसे करना है कि आपको बेसिकली अलग अलग इन्हें सॉल्व कर लेना है और यहां पर उनकी वैल्यू रख देनी है। क्वेश्चन 13 देखिए,
इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई टेन, तो ये जो वाई है वो कहां से कहां तक होगा? साइन इनवर्स एक्स जो है वो आपका वाई के बराबर है, तो जो वाई है वो आपका डेफिनेटली कहां होगा? उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स को सॉल्व करके वैल्यू यहां से आ सकती है, ये वाई के बराबर है तो वाई यहां पर होगा। अगर आप इसे इंटरवल से आपका इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंटरवल्स की फॉर्म में लिखोगे, और यहां क्लोज्ड इंटरवल है तो यहां इक्वल टू का साइन, यानी कि ऑप्शन बी को आप यहां पर टिक करेंगे, केवल प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो आपके माइंड में होनी चाहिए। ऐसा ही क्वेश्चन वो कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसिकेंट इनवर्स किसी के लिए भी बना सकता है। 14th क्या है? टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे और वैल्यू फिर हम यहां रखेंगे। कैसे? टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री को हमने मान लिया थीटा, इधर ले गए, सो टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री। अब जो टेन है वो रूट थ्री किस पर होता है? टेन रूट थ्री होता है हमारा 60 पर, यानी कि टेन पाई बाई थ्री, इनकी टेंजेंट वैल्यू इक्वल है, सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू को हमने मान लिया फाई, तो यहां से जो सेक फाई है वो आ गया माइनस टू। जो सेक है वो टू किस पर होता है? सेक टू होता है हमारा 60 डिग्री पर, तो आप इसे लिख सकते हो माइनस का सेक पाई बाई थ्री। यहां माइनस साइन, कॉस सेक में बाहर माइनस साइन आ जाए तो एंगल को हम पाई माइनस में ब्रेक कर लेते हैं, तो इसे लिख सकते हैं सेक पाई माइनस पाई बाई थ्री। पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक नेगेटिव, पाई पर नो चेंज, सेक आ गया पाई बाई थ्री, यानी माइनस ऑफ सेक पाई बाई थ्री को हम सेक पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया सेक टू पाई बाई थ्री, और यहां पे आ गया सेक फाई, इनकी सेक वैल्यू इक्वल है तो जो फाई है वो आएगा टू पाई बाई थ्री, और ये आपका इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी है। अब केवल आप इन्हें क्या करें, और यहां पर भी आप बता सकते हैं कि माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, अब इन दोनों की वैल्यू यहां रख लो, सो पाई बाई थ्री माइनस का टू पाई बाई थ्री, पाई माइनस टू पाई यानी कि माइनस का पाई बाई थ्री। तो आप चेक करें तो कौन सा ऑप्शन? दैट इज ऑप्शन बी। केवल पर्टिकुलर टर्म्स को आपको सॉल्व कर लेना है, वापस वहां रखते ही आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा।